हेलो यू गाइस, की हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तानिया शर्मा एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। सो टुडेज वीडियो इज़ अ हॉल वीडियो। आई हैवन पोस्टेड अ हॉल वीडियो सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड आई वाज मिसिंग इट सो मच। आई नो यू गाइस मस्ट बी मिसिंग इट टू। सो हियर आई एम विद मिंत्रा शू हॉल वीडियो एंड वी शुड नॉट वेस्ट मच टाइम एंड जस्ट लेट्स गेट इनटू वीडियो। So the first one are these silver slip-ons and it's one of my favorite ones. I didn't have anything in silver, so I thought I will go with this. It's from brand Cook and Keech. The quality is up to mark and my size is 41. Uske accordingly fitting bhi bahut achhi aayi hai. First I thought ye jo silver wala upar ka hai na, ye kharab hoga if I wipe wet cloth, but bilkul bhi kharab nahi hua hai. Iska base bhi bahut strong hai. It's quite comfortable. Aisa bhi nahi ki pair aapke dard ho jayenge. And mujhe kafi achhe price mein mila tha, so I'm quite happy with it. In case you are looking for some slip-ons, you can go for this. So next are these from Lavie and one of my favorite. I feel मैंने जितने भी shop किए ना वो सारे मेरे favorite हैं. So it's really difficult to choose one. So this is another one of my favorite because it's animal print and I personally love animal print. And animal print is always in trend. It looks so classy and stylish. And also जब आप image में देखोगे ना आपको लगेगा नहीं कि इसकी इतनी heel है. But in reality काफी heel है. काफी अच्छी खासी height आ जाती है. But quality wise it's really amazing. हाँ ये थोड़ी ना पैरों के लिए हैवी है. अगर आप काफ़ी स्टेयर्स चढ़ते हो या काफ़ी ज़्यादा वॉक करते हो आप इसे पहन के नहीं कर पाओगे. आपका पैर ना थोड़ा सा एक करेगा. बट मुझे कहाँ इसको पहन के दौड़ना है. आई एम क्वाइट कम्फर्टेबल इन इट एंड इन केस यू आर लुकिंग फॉर सम स्टाइलिश स्लिप-ऑन्स यू कैन गो फॉर दिस वन. नेक्स्ट आर दीज पिंक स्लिप-ऑन्स. आई बॉट इट स्पेशली फॉर मालदीव्स. आई नो आप देखकर बोल रहे होगे इट्स क्वाइट पिंकी, बट ट्रस्ट मी इट रियली लुक्स नाइस ऑन बीचेस एंड अगर आप कोई विला जा रहे हो. इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. बीच में ऐसे डायमंड्स लगे हुए हैं जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए. एक भी डायमंड निकला भी नहीं है. एंड ऑल्सो द बेस इज लाइट पिंक कलर. तो जब ये ख़राब होता है ना आई वाइप इट विथ वेट क्लॉथ एंड यू कैन सी द बेस इज सेम एज इट इज़. सो आप देख रहे हो क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है. इट्स फ्रॉम ड्रेसबेरी एंड ड्रेसबेरी के ना काफ़ी आइटम्स अच्छे होते हैं. वेदर इट्स क्लोदिंग बैग और शू इट्स रियली नाइस. सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर सम फंकी स्लिप-ऑन्स चेक दिस आउट. सो नेक्स्ट वन इज़ ऑन इंडियन साइड एंड दिस इज़ द वन. आई नो इट लुक्स सो गॉर्जियस एंड स्टाइलिश एट द सेम टाइम. मैंने इसे काफ़ी बार पहना है एंड द क्वालिटी इज़ अमेजिंग. नो कंप्लेंट्स. ऑल्सो द वर्क इज़ ब्यूटिफुली डन. क्लीन एंड टाइडी वर्क. And also it's quite comfortable, so for me it's worth the price. So next are these heels from Dressberry in black and white. इसकी हील्स काफ़ी छोटी है बट इट्स परफेक्ट फॉर मी. ऑल्सो इट्स इन ब्लैक एंड वाइट तो हमेशा ट्रेंड में रहेगा एंड सारे आउटफिट के साथ जाएगा. आई नेवर हैड सच थिंग इन माई शू सेक्शन सो आई वॉन्टेड समथिंग डिफरेंट एंड हटके सो आई वेंट फॉर दीज. एंड एज आई सेड ड्रेसबेरी के चाहे बैग्स हो क्लोदिंग आइटम्स हो या शू सेक्शन हो उनका प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा होता है. सो इट्स क्वाइट कम्फर्टेबल एंड क्वालिटी वाइज इट्स अप टू मार्क. सो इट्स एब्सोल्युटली वर्थ द प्राइस. सो नेक्स्ट वन इज अगेन फ्रॉम ड्रेसबेरी. और अगर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्वालिटी कैसी है तो पक्का आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मारोगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ इज द क्वालिटी. बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है सच बताऊँ तो. द ओनली प्रॉब्लम ये हुक है. अगर मैं किसी के घर पर पहन के जा रही हूँ ना तो ये हुक उतारो पहनो बहुत प्रॉब्लम है. बट ओवरऑल फिटिंग काफ़ी अच्छी है एंड ऑल्सो मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिली थी. सो अकॉर्डिंग टू प्राइस इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट. So yeah, that's it. I hope you guys love this video. I'm going to mention the price and links in the description box. Do check it out. Let me know your favorite pair of shoe in the comment section below. Share this video with your friends, family and everyone. Share as much as possible. Don't forget to subscribe to my channel. Hit the like button and I will see you next time with a new video. Bye.